here is our talent of the week. Namaskar, adab, sat shri akal. Aap dekh rahe hain Desi Close Look aur main hoon Payal. Spring flowers, sundar sundar khoobsurat flowers har jagah hain. Iska matlab garmiyan ab zyada dur nahi hain. Garmiyon mein kya kar rahe hain aap? Holidays par ja rahe hain, camping kar rahe hain, India ja rahe hain ya phir bahut sari barbecues aur picnics plan kar rahe hain. Jo kuch bhi hum plan kar rahe hain, usme kahin na kahin hamara motive hota hai ki hum बॉन्ड करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. एक दूसरे के साथ तो हम बॉन्ड कर लेते हैं, लेकिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को, उनकी जड़ों से, उनके कल्चर से बॉन्डेड रखने के लिए हम क्या करते हैं? एज अ पेरेंट, व्हाट आर वी डूइंग? कई बार हम उन्हें लैंग्वेज क्लासेस के लिए भेजते हैं, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, जो भी लैंग्वेज आप फॉलो करते हैं अपने घरों में. कई बार आप अपनी ही कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में, सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा जाते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि वो अपने कल्चर से जुड़े रहें. एक और तरीका है अपने बच्चों को कल्चर से जोड़े रखने का, वो है म्यूज़िक. वेल, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज़ म्यूज़िक. खुशी हो, गम हो, एक्साइटमेंट हो, म्यूज़िक बहुत आसानी से आपको एक्सप्रेस करने देता है अपनी फीलिंग्स. और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो म्यूज़िक को लेकर ही है. और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और मैं ये कहूँगी कि उनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपनी कला अपने तक नहीं रख रही, सबसे बांट रही हैं. आइए वेलकम करते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की टीचर मिसेस अविनंदा मुखर्जी को. वेलकम टू द शो अविनंदा जी. थैंक यू. थैंक यू. सो जैसे कि मैंने अभी कहा सबसे कि आपका एक्सपीरियंस है, आप अपनी कला शेयर कर रही हैं, तो आई विल नॉट जंप स्ट्रेट आपकी शेयरिंग की कहानी से. मैं शुरू करना चाहूँगी आपकी खुद की कहानी से, कि आप म्यूज़िक से जब पहली बार मिली, या ये कहूँ कि आपकी म्यूज़िकल जर्नी कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? वो शुरू हुई कलकत्ते में जब मैं छोटी थी, पाँच या छः साल की बच्ची. तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेके गए एक म्यूज़िक टीचर के साथ, मेरे इंट्रोडक्शन करवाए, एंड फ्रॉम देयर माय म्यूज़िकल जर्नी स्टार्टेड. शी वाज अ क्लासिकल टीचर, मिसेस कृष्णा घोषाल. शी वाज अ डिसाइपल ऑफ Shipra Bose, Srimati Shipra Bose, who is also a very famous teacher of Calcutta, a legend in fact. So, वहीं से मेरी journey शुरू हुई, and तब से ये journey चली रहे हैं. धीरे धीरे मैं बहुत कुछ इन लोगों से सीखी थी और सीख रही हूँ, और बस ऐसे ही चल रहे मेरे जर्नी. तो मतलब आप सिर्फ 5-6 साल की थी जब आपने म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया? वाह. अच्छा, उस ज़माने पे मैं किस तरह से, मतलब क्लासेस रोज़ होती थी, वंस अ वीक होती थी, एक घंटा, चार घंटा, कैसे होता था वो? वंस अ वीक तो डेफिनेटली मम्मी पापा लेके जाते थे मुझे गुरु माँ के घर. और कितने घंटे के लिए? कोई ऐसे नहीं था, लाइक एक घंटा, कभी कभी दो घंटे, मूड के ऊपर थी, गुरु माँ के मूड के ऊपर. सा नि ग म प ध नि सा 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 सा नि ग म प ध नि सा
तो आपने जब तक आप इंडिया में रहे आपने म्यूजिक सीखा तो सीखा ही या फिर वहाँ पर भी आप सिखा रही थी? नहीं, वहाँ नहीं सीखा, मैं सीखती थी मगर बहुत सारे कॉन्सर्ट्स परफॉर्मेंस करती थी मैं। वाओ, और अगर हम वो कॉन्सर्ट्स देखना चाहें तो देख सकते हैं? कोई वीडियो कोई यूट्यूब पे कहीं कुछ है? नहीं, तब तो बहुत साल पहले था, तो तब तो ये फोन्स वगैरह आए नहीं, तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग लिए थे वो तो अभी इंडिया में ही है सब कैसेट में। हाँ, कैसेट में, तब तो सीडीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था तब तो। ऐसे में नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी मेमोरीज लाइक दैट, लाइक बट सब इधर है, द मेमोरीज है। एंड मेरी ये गुड फॉर्चून है कि जब मैं परफॉर्मेंस करने जाती थी आई केम इन टच विथ अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर लेजेंड्स बाय देयर ओन राइट्स। तो सौमित्र चैटर्जी, आनंद शंकर, ममता शंकर, बिरजू महाराज जी, सो या एंड हेमंती शुक्ला, सो दीज वर लेजेंड्स। यू बीन लकी? आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, यस वेरी फॉर्चुनेट। वाओ, अच्छा एक और चीज़, ये आपने जो भी नाम लिए, मैंने अलग अलग, जैसे मुझे लगता है म्यूज़िक के अलग शायद जॉनर्स हैं, और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ही अगर बात की जाए तो उसके अंदर ही, मुझे पहले नहीं पता था, उसके अंदर ही इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं और इतने सारे जॉनर्स हैं। तो इफ़ आई आस्क यू, व्हाट स्ट्रीम और जॉनर डू यू फॉलो? मैं अभी मेवाती घराना की डिसाइपल हूँ। ये मेवाती घराना शुरू होते हैं बड़े गुरु जी संगीत मार्टिन पंडित जस भीम जसराज जी, सो इट स्टार्ट्स विथ हिम। मेवाती घराने की डिसाइपल हूँ मैं, और अभी भी सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ भी। अच्छा एक और चीज़, मैं मुझे क्योंकि आपने ही बताई थी ये बात कि इस ज़माने में आजकल जब बच्चे म्यूज़िक लेसन्स के लिए जाते हैं तो कितना कन्वीनियंट होता है आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर दें, जैसे रिकॉर्ड करके पेरेंट्स को भेज दिया, बच्चे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नोट्स लिख रहे हैं। आपने मुझे एक बार बताया था कि आपके ज़माने में थिंग्स यूज़ टू बी डिफरेंट एंड ट्रिकी, बताएँ कुछ इसके बारे में। ये आप बच्चे ज़रा ध्यान से सुने, आर यू गेटिंग इट वेरी ईजी? हाँ, देखिए पहले कैसे सीखा गया था। बहुत डिफ़िकल्ट था पहले, क्योंकि ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग, ये फ़ोन पे पिक्चर ले लेना, वीडियो कर लेना, ये सब कुछ नहीं था, तो सब कुछ यहाँ रखना पड़ता था। और मेरी जो पहले जो कलकत्ते में जो गुरु माए थी वो हमें कोई ऐसे बुक भी नहीं देते थे कि सब कुछ याद रखना पड़ता था, इधर सब कुछ 35 ईयर्स के ऊपर जो एक मेरे संगीत से जो संबंध है उसमें यू कैन से 30 ईयर्स का कोई बुक्स नहीं है, सब यहाँ रखना पड़ता था मुझे। और घर जाके हम खुद अपना एक बुक तैयार करते थे, क्योंकि नहीं तो मैं तो भूल जाऊँगी, तो वो मेरी हिस्सा मेरी साइड से थी, मगर तो गुरु हमें कोई बुक्स नहीं देते थे। जब आप क्लास में होती थी तो आपको नोट्स लेना अलाउड नहीं था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तब तो जब गुरु माँ या गुरु जी कुछ बोल रहे हैं आई नीड टू फोकस 100%। अगर मैं तब लिखूंगी तो मेरी कंसंट्रेशन डिवाइडेड हो जाएंगे ना, तो वो अलाउड नहीं था। तो वो जब क्लास ख़त्म हो जाते थे तो बाहर आके हम लोग बैठ के ना जिनको जो याद रहते थे वही हम बुक में डाल लेते थे थोड़े थोड़े करके। Sa ni da ba ma ga ri sa, 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 sa ni da ba ma
sari sa ga re ga re sa re ga re ma ga ma ga re ga ma ga pa ma pa ma ga ma pa ma da ma da ma pa da pa ni da pa da ni da sa ni sa ni ni sa ni re sa ni sa ni sa ni sa ga re ga re ga ni ga sa ni ga ni sa ni sa ni sa da ni sa ni ga ni pa da ni da pa da ma pa da pa ma ga ma pa ma ga ma re ga ma ga re ga sa ni ga re sa ni sa ni sa ni sa da ni sa sari sa ga re ga re sa re ga re ma ga ma ga re ga ma ga pa ma pa ma ga ma pa ma da ma da ma pa da pa ni da pa da ni da sa ni ni sa ni re sa ni sa ni sa ni sa ga re ga re ga ni ga sa ni ga ni sa ni sa ni sa da ni sa ni da ni pa da ni da pa ma pa da pa ma pa ga ma pa ma ga ma re ga ma ga re ga sa re ga re sa ni ni sa ni sa ni sa da ni sa ma ma ga ma pa. शायद यही वजह है कि वो सारे राग वो सारी सरगम आपके अंदर जैसे डीपली रूटेड है, जैसे सीमेंट पे कार्व कर देते हैं ना, वो परमानेंटली हो गया बिकॉज इट्स हियर, किसी बुक में नहीं है, इट्स राइट हियर. ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो अगर छोटी उम्र से ही जब कोई बच्चे सीख रहे हैं, अगर ही और शी डिपेंडेंट हो जाए कि बुक देख के हमें गाना है, तब क्या होगा कि इस ये हैबिट इतनी, ये बुरा हैबिट है ये. अगर वो बुक आप ले लें उस बच्चे से, तो वो फिर गा नहीं पाएगा. बहुत बहुत सारे बहुत टाइम ऐसा होता है, एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्थी हैबिट. तो ये याद रखे करना पड़ता है, और एक बार शुरू में ये डिफ़िकल्ट है, मगर ये भी आदत हो जाते हैं. और अगर आप यहाँ एक बार आपके घुस जाए ना वो मटीरियल, तब इट्स देयर फॉर गुड. अच्छा, अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स पहले कैसे थे और अब कैसे थे. अब ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है उनके लिए नोट्स लेना, रिकॉर्डिंग्स लेना, वट एवर. तो आपने कहा आपने यहाँ आकर सिखाना शुरू किया कनाडा में आकर, तो व्हाट मेड यू मेक दिस डिसीजन, क्या व्हाई डू यू थिंक कि हाँ मैं सिखाना चाहती हूँ? कनाडा में आके जब मैं एक लाइफ की एक स्टेज में पहुंची, जब आई फेल्ट कंफर्टेबल कि हाँ अब मैं सिखा सकती हूँ, मैं खुद इतना जान गई अभी कि मैं अभी सिखा सकती हूँ पहले. और ये भी है कि हम मेरे जो गुरु हैं, अगर वो लोग परमिशन नहीं देते तो मैं सिखाना शुरू नहीं करूँगी. हाँ ये तो है, मैं खुद से एक दिन उठकर डिसाइड कर लूँ कि मैं अभी सिखाऊंगी, ऐसा नहीं है. ये प्रोटोकॉल्स हैं. सो मेरे जो गुरु हैं उनसे पहले परमिशन लेना पड़ता है. तो आपने अपने गुरु को वहाँ इंडिया कॉन्टैक्ट करा और आप? डेफिनेटली. क्या कहा उन्होंने? बहुत खुश हुए एंड मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, सिखाओ और खुद भी सीखते जाओ. कहते हैं ना, लर्निंग नेवर एंड्स, नेवर स्टॉप्स. जब आपने यहाँ फैसला लिया कि आप सिखाना चाहते हैं और फिर गुरुजी से आपको परमिशन भी मिल गई, तो आपने पहला कदम आपका क्या था? बिकॉज सबसे पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कोई है भी जो सिखा रहे हैं कि नहीं. फिर मुझे नहीं पता ऐसे कितने पेरेंट्स होते हैं जो म्यूज़िक को एक लेजिट ज़रिया समझते हैं अपने बच्चों को कल्चर से कनेक्ट करके रखने के लिए. तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था और कितना चैलेंजिंग था? मैं कहूँगी कि आई डिडन्ट फाइंड इट चैलेंजिंग एट ऑल, क्योंकि यहाँ कनाडा पे मैं कनाडा से पहले यूके में रहती थी,
वहाँ भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह करती थी और उधर भी लोग मुझे मेरी स्टूडेंट्स मुझे पेरेंट्स ने फ़ोन करती थी कि स्टूडेंट्स उनको अपनी बेटी को भेजना है, मगर तब मेरे खुद के जो दो बच्चे थे तब वो छोटे छोटे थे तब, और तब मुझे तभी भी परमिशन नहीं मिले मेरे गुरु से सिखाने के लिए, तो आई हैड टू वेट। सो जब मुझे इधर आके फिर आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन इन कैनेडा, एंड इसके साथ साथ मैं गुरु आई एम ऑलवेज इन टच विथ माई गुरुज। तो जब उन्होंने परमिशन दी कि हाँ ठीक है तुम आगे बढ़ो, देन आई डिसाइडेड आई वॉज ओपन टू द आइडिया ऑफ टीचिंग। और मैं कैनेडा में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस इधर उधर करती हूँ और मुझे ऑटोमेटिक फ़ोन कॉल्स आ गए। So when you were here and you started teaching, तब parents आपको बहुत easily उन्होंने approach किया and ऐसा नहीं था कि students मिलने मुश्किल थे? नहीं, actually the thing is this is a coincidence, क्योंकि जब मैं ठान ली कि हाँ अभी सिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तो मेरी परमिशन भी हो गई, तभी उसी टाइम के आसपास मुझे फ़ोन कॉल्स भी आने लगे घर में। सो ये आई थिंक ऊपर वाले की वो है, एक सिग्नल है कि हाँ टाइम आ गए कि आप सिखाओ अभी, तो ऐसे ही। अच्छा, पेरेंट्स जो आपको अप्रोच करते हैं यूजुअली कौन से एज ग्रुप में होते हैं बच्चे? ये सब स्कूल में होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल से शुरू होते हैं, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, और मेरी दो चार एडल्ट्स भी हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो खुद देयर मदर्स वर्किंग, सो वेरियस एज ग्रुप होते हैं। तो सबसे छोटी उम्र कौन सी होती है सही सीखना शुरू करने के लिए? मैं कहूँ 6-7 साल डेफिनेटली, उससे पहले बहुत ही छोटी हो जाती है, याद नहीं रखती है, वो प्लेफुल भी होते हैं और एक खुद के लिए एक टेनासिटी आना चाहिए कि 10-15 मिनट भी एक साथ बैठ के वो उससे जब छोटी होती है ना बच्चे, तब वो एक साथ बैठते नहीं ना, 10-15 मिनट भागेगी उठ के। वो जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, 6-7 साल तो डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जब पेरेंट्स आपको अप्रोच करते हैं तो यूजुअली वो इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके बच्चे म्यूजिक सीखें, या फिर आपको लगता है बच्चे में खुद भी इंटरेस्ट है या फिर थोड़ा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स म्यूजिक, या कई बार आप देखते हैं कुछ बच्चे फोर्स्ड हैं? व्हाट काइंड ऑफ किड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स डू यू सी? मेरी तो आई सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मेरी तो लाइक ऑल माई स्टूडेंट्स दैट आई हैव, देयर इज अ बिग इंटरेस्ट, पेरेंट्स के खुद के इंटरेस्ट तो है और बच्चे का भी इंक्लिनेशन है towards music, इसीलिए शायद the families ये decide करते हैं कि हमारे बच्चे को हम सिखाएंगे, तो it gets easier with them. अच्छा, जब कोई parent decide करता है कि वो अपने बच्चे को Indian classical music की training, formal training देना चाहते हैं, तो क्या उन्हें should they be conscious about कि भाई कौन सा घराना you know उन्हें follow करना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ हर घराना जो है, एस्टैब्लिश्ड घराने जो हैं अभी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, सभी ग्रेट हैं, एवरीबडी इज़ ग्रेट बाय देयर ओन राइट्स। सो घराने के पीछे इतना कुछ नहीं है, वो बाद में जाके जब बहुत सारे सीख लेते हैं कोई, तब डिसाइड कर सकते हैं कि
घराने से स्विच करने हैं या फिर एक ही जगह रह के भी लाइक यू नो यू गो फॉरवर्ड. तो एक एक कोई घराने से स्टिक कर जाओ. अच्छा, आपने बताया कि आप कॉन्सर्ट्स करते थे इंडिया में, यूके में, यहाँ पर भी. अब जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो जब वो आपको लगता है दे कॉन्फिडेंट इनफ कि अब वो परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो क्या आप उन्हें कोई प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो चाहे चार लोगों के आगे ही से, बिकॉज इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि कहीं कोई उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपनी आर्ट को डिस्प्ले कर सकें. मेरे स्कूल से दो फंक्शंस होते हैं ईयरली, एक अप्रैल में होते हैं और एक आ रहा है मई 12th में, और एक बड़ा वाला होता है टुवर्ड्स द विंटर टाइम. तब दिस इज़ अ प्योरली क्लासिकल प्रोग्राम, जब जहाँ सब बच्चे ऑडियंस के सामने क्लासिकल्स प्रेजेंट करते हैं और फैमिलीज़ वगैरह आते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो यहीं एक प्लेटफॉर्म मिलते हैं उनको. और ये जो कम्युनिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तब ये लोग हमें फ़ोन करते हैं कि दीदी आपके स्कूल से बच्चे को भेजिए प्लीज़, हमारा ये प्रोग्राम होंगे तो बच्चे थोड़ा दो चार सॉन्ग्स करेंगे. तो दिस इज़ हाउ दे गेट द प्लेटफॉर्म्स, और बहुत सारे लोग जाते भी हैं, तो ऐसे ही बच्चे दे गेट द प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट टू शो देयर टैलेंट्स. इज देयर मिनिमम टाइम कि एक बच्चे को परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होने के लिए मिनिमम इतना टाइम चाहिए, या फिर बच्चे से बच्चे पर डिपेंड करता है, हाउ डज इट वर्क? हाँ, ये तो डिपेंड करता है, हर एक का वो पिकअप ग्रास्पिंग जो क्षमता है वो डिफरेंट है. तो मगर आई विल से एटलीस्ट वन ईयर तो डेफिनेटली सीखना पहले परफॉर्मेंस, उसके बाद कि बहुत कुछ, क्योंकि जब कोई एकदम बिल्कुल नया है ना टू दिस फील्ड, उनको एक साल तो लग ही जाता है सरगम्स वगैरह रियाज अपना गला टोन करने के लिए. फिर उसके बाद जाके मैं रेकमेंड करती हूँ कि हाँ अभी करो प्रोग्राम्स, जाओ करो, क्योंकि जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्टेज फियर भी दूर हो जाएगा. फ्रॉम लर्निंग जो क्लास में बैठ के सीखते हैं, क्या आप बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि वो दूसरे गुरुज के भी कॉन्सर्ट्स जाके अटेंड करें, जिससे कि वो
देख पाएं कि कैसे गुरु स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ऑडियंस को कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑडियंस में बैठे होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, वो इतने रागों के बारे में इतना नहीं जानते. तो किस तरह से यू बिल्ड देयर इंटरेस्ट इन योर परफॉर्मेंस? तो आपको लगता है कि बच्चों को देखना चाहिए कॉन्सर्ट्स जाकर? एब्सोल्युटली 100% 100%. वो जब बड़े बड़े जो उस्ताद जी जब ये लोग आते हैं इनका कॉन्सर्ट्स अगर बच्चे देखें तब उससे उस वो बच्चा सीखेगा कि कैसे होते हैं कॉन्सर्ट्स, कैसे गुरुज अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज व्हाट विल दिस विल हेल्प देम टू डेवलप देयर वांट टू गो एंड सी द नेक्स्ट परफॉर्मेंस. ऐसे ही बढ़ते हैं. कोई कॉन्सर्ट आ रहा है शायद कुछ पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? 21st April Pandit Sanjeev Abhyankar, one of the stalwarts of our gharana, he's coming to Burnaby Hall on Canada Way. That's 21st April at 7 p.m. the concert starts. He's a legend. So people, if you look him up on YouTube, you will know Sanjeev Abhyankarji. And then we will be having a lot of other gurus throughout the year. And Bade Guruji Pandit Jasraj Ji आ रहे हैं इन ऑगस्ट, उनके भी कॉन्सर्ट हैं. तो पेरेंट्स, आपके बच्चे अगर ऑलरेडी म्यूज़िक सीख रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि शायद उन्हें म्यूज़िक सिखाना चाहें, तो एक कॉन्सर्ट में जाकर जस्ट टू गेट अ फ्लेवर ऑफ इट, किस तरह का म्यूज़िक है, किस तरह का एम्बियंस है, क्या आपके बच्चे सीखेंगे, शायद आप जाना चाहें कॉन्सर्ट्स पे. तो अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन से कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं, कब कब आ रहे हैं, कौन से गुरुज आ रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह वेबसाइट है जहां पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? हाँ, फेसबुक में अगर दे टाइप इन PJSOM पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूज़िक, तब उधर जाके या फिर जस्ट इंटरनेट पे PJSOM Vancouver टाइप करें और वहाँ वेबसाइट भी होंगे PJSOM का डायरेक्ट, वहीं से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. ग्रेट. नाउ जो पेरेंट्स ऑलरेडी भेज रहे हैं बच्चों को वो तो ठीक है, जो नहीं भेज रहे और अभी सोच रहे हैं कि इज दिस द राइट थिंग टू डू और नॉट, आप मतलब आपने पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक सीखा है और अब सिखा भी रही हैं, कितने सालों से सिखा रही हैं? अब कनाडा के मैं 4.5 साल. तो पूरी ज़िंदगी आपने सीखा और ऑलमोस्ट 5 साल से आप सिखा रही हैं. सो एज अ सीजन्ड पर्सन, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी उन पेरेंट्स को जो शायद कन्फ्यूज्ड हैं या सोच रहे हैं टू डू नॉट टू डू, कि क्यों उन्हें अपने बच्चों को म्यूज़िक से कनेक्टेड रखना चाहिए, यू नो, और कैसे? हाँ, डेफिनेटली अगर इच्छा हो, इसमें कोई there should be no double thinking about it, to be honest. अगर मन में इच्छा हो कि बच्चे को भेजे तो भेज दीजिए. म्यूज़िक इज़ समथिंग, देर इज़ अ डिवाइन कनेक्शन इन म्यूज़िक. वंस यू स्टार्ट द जर्नी तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है. और अपनी रूट को, अपने कल्चर को जानने के लिए म्यूज़िक से बेटर मैं समझती हूँ कि और कोई चीज़ है नहीं. म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. अगर आपका मन हो तो भेजिए अपने बच्चे को. डोंट इवन थिंक ट्वाइस, डोंट होल्ड इट बैक. थैंक यू. सो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और अगर आपके दिल में ज़रा सा भी ख्याल आ रहा है तो दूसरा ख्याल मत आने दीजिए, भेज दीजिए बच्चों को, क्योंकि सीखेंगे ही कुछ अच्छा ही सीखेंगे, अपने रूट्स से, अपने कल्चर से कनेक्ट हो पाएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द पेरेंट, इट्स योर डिसीजन. तो इस म्यूज़िकल जर्नी को फिलहाल हम ख़त्म करते हैं, लेकिन आप अविनंदा दीदी जी की आवाज़ में कुछ बहुत प्यारे प्यारे गाने और राग भी सुनेंगे. तो मैं इजाज़त चाहती हूँ. थैंक यू सो मच अविनंदा जी फॉर योर टाइम और इतना सब कुछ जो आपने हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू. नमस्ते. बाय बाय. एंड यू कीप वॉचिंग देसी क्लोज लुक. Ma pa da ni sa ni sa da ni sa ni sa ni sa ni sa ga ni sa ni da pa ni ni da pa ma ga ni sa ma pa pa da da ni ni sa ni sa ni sa ni sa ga ni sa ni da pa ni ni da pa ma ga ni sa ma pa pa da da ni ni sa 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 ni ni sa da 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 ni 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 sa 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 ni ni sa sa ni ga ga ni ni sa da ni da pa ma ga ni sa.
Ma